हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के घर पर छापेमारी की, जिसको लेकर जमकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, या ये कहें कि राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा है कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर सीबीआई भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144, इंटरनेट बैन, नुकीली तारे, आंसू गैस के गोले, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। वहीं सत्यपाल मलिक ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। मेरे पास 4-5 कुर्ते पैजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक लगातार सरकार के विरोध में कई तरह की बयानबाजी कर चुके हैं, और सत्यपाल मलिक ने कहा था कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरे यहाँ भी केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी करेगी, और कुछ ऐसी तस्वीर आज नजर आ रही है। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने जैसा कि पहले ही कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ। अब देखना यह है कि आगे इस पूरे मामले में क्या मोड़ आता है।